मेरे सामने ये जो गाड़ी खड़ी है ये है किया की सेल्टोस HTX प्लस। अगर मैं इस वेरिएंट की बात करूं, ये यहाँ पे हमें मिड वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये DRL जो है ना, पहले तक DRL ऊपर आया करते थे और अब ये यहाँ पे ऐसे नीचे आ गए हैं। इसके साथ में सिक्वेंशियल LED साइड टर्न इंडिकेटर्स हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ ये टाइगर नोज ग्रिल आ रही है जो कि ग्लॉस फिनिश में हमें देखने को मिल रही है। प्लस ये यहाँ पे फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स, हमें यहाँ पे स्किड प्लेट देखने को मिल रही है और ADAS लेवल 2 जो फीचर है वो हमें यहाँ पे इससे अबव टॉप ट्रिम में देखने को मिलेगा, जो कि है एक्सलेंट। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं फॉग लैंप्स की, तो ये यहाँ पे 4 क्यूब्स में हमें देखने को मिलेगा। पहले तक ये यहाँ पे 3 क्यूब्स आते थे, अब ये 4 क्यूब्स में हमें देखने को मिलेगा। बढ़िया, फ्रंट में काफी अच्छा डिजाइन है। अब बात करते हैं एक बार गाड़ी के साइड से, तो यहाँ पे साइड में अगर मैं देखूँ ना, आप ये गाड़ी देख सकते हो, इसकी ओवरऑल जो लेंथ है ये 50 mm ज्यादा है करंट किया सेल्टोस, तो एक ये प्लस पॉइंट है। दूसरा आप यहाँ पे देखिए टायर साइज में, तो हमें 16 इंचेस, 17 इंचेस और 18 इंचेस इस पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। करंटली ये जो अलॉय व्हील है ये यहाँ पे 17 इंचेस की टायर की प्रोफाइल पे है, गुड ईयर का टायर है। अगर किया सेल्टोस में मैं बात करूँ, 15 सेफ्टी फीचर्स हमें स्टैंडर्ड देखने को मिल रहे हैं। आप देखो ABS, EBD, डिस्क ब्रेक्स ऑल व्हील्स पे, साथ ही साथ 6 एयरबैग्स, तो यार काफी बढ़िया ये इनिशिएटिव है किया की तरफ से। इसके साथ में ना इनिशियली जब वो 6 एयरबैग वाली बातें हुई थी, चलनी शुरू हुई थी पिछले साल तक, तो इकलौता किया ब्रांड था जिसने सबसे पहले ये करा था। दूसरा गाड़ी में व्हील बेस बात करते हैं, तो 2610 mm का गाड़ी में हमें व्हील बेस देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से, क्रोम इंसर्ट्स हमें हैंडल देखने को मिल रहे हैं और ये यहाँ पे कीलेस एंट्री का ये यहाँ पे स्विच देखने को मिल रहा है। सही हो गई बात। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये रूफ रेल की, ये एक नॉन फंक्शनल रूफ रेल है, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर सकते, ये सब एक लुक को एनहेंस कर रही है। पैनारोमिक सनरूफ आ रही है, ये यहाँ पे शार्क फिन एंटीना, इसके साथ आप शीशे भी जो देखोगे ना, हमें ये यहाँ पे यूवी कट ग्लासेस देखने को मिल रहे हैं, तो एकदम ये थोड़े ऐसे हैं कि जो यूवी रेज जो होंगी ना उनको ये यहाँ पे खत्म करेंगे। सही, तो ये कुछ यहाँ पे LED टेल लैंप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल क्लीन LED टेल लैंप के साथ स्पॉयलर आ गया, प्लस हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स आ गए, रियर डिमिस्टर आ गया, वाइपर एंड वाइप एंड वॉश दोनों के साथ में गाड़ी आ गई। नीचे अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से हमें ये लैंप्स एंड रिफ्लेक्टर देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ 4 हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड रिवर्स कैमरा के साथ में गाड़ी। बढ़िया, अब एक बार चलते हैं गाड़ी के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं अंदर से ये गाड़ी है कैसे। तो अब बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस पर, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये आप यहाँ पे देख सकते हो 433 लीटर का बूट स्पेस हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ भाई काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल एम्बल अमाउंट का बूट स्पेस है, आप ये देख सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे लैंप्स भी हमें देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी सही रहेगा। और ये पार्ट आप देखिए भाई, टायर का साइज 1 इंच छोटा है, इस गाड़ी के अंदर 17 इंचेस के अलॉय व्हील हैं और ये यहाँ पे रिम जो आ रहा है, हाँ रिम ही है, 16 इंचेस का रिम हमें देखने को मिल रहा है और कंप्लीट फ्लैट है आप देख सकते हो, तो कुछ भी आप सामान रखोगे इजीली यहाँ पे चला जाएगा और निकाल सकते हो इजी तरीके से। तो यहाँ पे अंदर बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ड्राइवर साइड में, हमें यहाँ पे मेमोरी सीटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो ये 6 वे एडजस्टेबल मेमोरी सीटिंग है। इसके साथ में बोस के स्पीकर्स हो गए, तो टोटल 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर हमें देखने को मिलेंगे, 8 स्पीकर हुए। प्लस ये कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, इजीली आप यहाँ पे ORVMs को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस ये सारे का सारा क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो यार काफ़ी फिट एंड फिनिश के साथ आ रही है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटन सिल्वर फिनिश के साथ गाड़ी आ रही है। तो भाई अब अंदर से गाड़ी में बात करते हैं, सबसे पहले आप एक चीज देखो, ये जो गाड़ी के इंफोटेनमेंट आप देख रहे हो ना 8 इंचेस की स्क्रीन पे है, प्लस ये आपको ना थोड़ा टिल्ट दिखेगी, ये आप देख रहे हो ये पार्ट अलग है, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले अलग है और ये हल्का सा टिल्ट है। तो फायदा क्या हो रहा है, ये गाड़ी को जब बंदा चलाएगा ना इजिली यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, तो ये चीजें आपने होंडा के अंदर देखी होगी, हल्का सा टिल्ट आता है, तो वही चीज इस बार यहाँ पे किया में हुई है। इसके साथ गाड़ी में ये जो डैशबोर्ड है भाई, ये सॉफ्ट टच पैनल है के साथ में है, लेदरेट सीट्स है और ये वेंटिलेटेड सीट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और 160 PS जो मैं आपको बता रहा था TGDI इंजन, ये हमें यहाँ पे 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT में देखने को मिलेगा। काफी अच्छा ऑप्शन है, जो लोग भाई डीजल गाड़ी अभी चला रहे हैं और अब अपग्रेड करना चाह रहे हैं, बट दिक्कत क्या है, वो डीजल की 10 साल वाली वैलिडिटी है ना उसके चक्कर में रोक रहे हैं, तो वही अपना हाथ ना आप यहाँ पे इस वेरियंट पे लेके आओ। 160 PS की पावर है और यकीन मानना पावर टॉक जो है ना डीजल इंजन से भी ज्यादा इसमें मिल रहा है। इसके साथ में ये यहाँ पे अगर
कंट्रोल्स में मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ड्यूल जोन एसी हमें देखने को मिल रहा है, सर्कुलेशन ऑन ऑफ के लिए ये हुआ, बाकी ये सारा सेंटर कंसोल पे हमें सेटअप देखने को मिल रहा है। ऑटो एसी आ रहा है, प्लस ड्राइविंग मोड आ रहे हैं और इसके ट्रैक्शन मोड्स आ रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के टेरेन पे आप इसको यूज कर सकते हो। इसके साथ ये वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आ गया ड्राइवर और को ड्राइवर पे, ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ गए और ये यहाँ पे हमें वायरलेस चार्जर देखने को मिल रहा है। इसके साथ सी टाइप यूएसबी हो गया, 12 वोल्ट का ये चार्जिंग का पॉइंट ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस ये स्टेयरिंग जो आता है ये भाई लेदर रैप स्टेयरिंग है, नीचे ये डी शेप है, प्लस स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल है विद क्रूज कंट्रोल और पैडल शिफ्टर के साथ में ये हुआ। ये स्टेयरिंग हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों देखने को मिल रहे हैं, बढ़िया। बाकी इसका ये यहाँ पे IRVM जो आ रहा है ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जहाँ किया कनेक्ट SOS के बटन्स ये हो गए, तो सही गाड़ी। टोटल 4 स्पीकर और 4 ट्विटर आ रही हैं, बोस के स्पीकर्स आ रहे हैं, जी हाँ। अब चलते हैं एक बार पीछे, तो अब बात करते हैं गाड़ी की सेकंड रो के अंदर। अगर मैं यहाँ सेकंड रो में बात करूँ, सबसे पहले आप देखो पैनारोमिक सनरूफ, यार अभी भी मेरी हाइट 5 फीट 11 इंचेस है और ये देख रहे हो आप हेडरूम तो सही है, काफी अच्छा डिसेंट हेडरूम हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ में ये यहाँ पे रीडिंग लैंप्स गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ ये सिटिंग ऑप्शन है, आप देखो ये सीट बिल्कुल पीछे कर रखी है और नी रूम अच्छा खासा यहाँ पे नी रूम आ रहा है, ये स्टोरेज का स्पेस आ गया। प्लस ये यहाँ पे जो एयर प्योरिफिकेशन आता था ना, अब इस बार हमें टच स्क्रीन में देखने को मिल रहा है और इसके साथ आप यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ ये कुछ यहाँ पे रियर के एसी वेंट, दोनों साइड हमें सी टाइप चार्जिंग का पॉइंट देखने को मिल रहा है और ये कैविटी आ रही है। अब आइसोफिक्स सीट्स आ रही है, 60-40 स्प्लिट है, आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने किया ऐसा तो यस ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पीछे पूरा का पूरा बूस्ट एक्सेस कर सकते हैं, तो ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और केबिन गाड़ी का ना काफी अच्छा रूमी सा है, अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि हाँ भाई बहुत तेज धूप है तो आप इससे कर्टेंस का यूज करो और बढ़िया आप कर सकते हो। सो यही है, बाकी आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब कुछ और अगर आपका डाउट अभी भी तो यस आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो यस इसको सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जो लोग अभी भी किया सेल्टोस का वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।